तो ये इनका नाश्ता है। लो जी, ओके भाई। तो यहाँ इनकी पूजा हो चुकी है पंडित जी की, और आज मैंने इनके लिए आलू के परांठे बनाए नाश्ते में। आज यही होगा हमारा नाश्ता, अपने लिए भी यही बनेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी आज क्या है, बार थर्सडे, बृहस्पतिवार है आज, और अभी सुबह के 7:55 हो रहे हैं, और इनको दे दिया मैंने नाश्ता, क्योंकि सिद्धू की आज छुट्टी है, तो ऋषिता का कॉलेज देर से रहता है, तो वो अभी उठी नहीं, बच्चे दोनों सोई रखे हैं, 8 बजे ही निकल जाते हैं, क्योंकि 8:15 से शुरू होता है, 8 बजे निकलते हैं, 8:15 से इनका स्कूल शुरू हो जाता है। तो बस इन्हीं के लिए मैंने अभी 2 परांठे बनाए हैं और चाय बनाई है, तो चाय, और अभी मैंने खुद भी चाय नहीं पी है। तो आपने देखा मैंने इनके लिए सिर्फ 2 परांठे दे रखे थे, और इनका ज़िंदगी बीत के ड्यूटी जाते जाते टाइम यही है, लेकिन नाश्ता इनका 2 रोटी से 2 परांठों से ऊपर कभी नहीं गया। चाहे रोटी बनाओ तो 2 रोटी खाएंगे, परांठे बनाओ तो 2 परांठे भी कभी ये पूरे नहीं खाते हैं, और सब्जी तो कभी चाहिए ही नहीं, तो बस ऐसे चाहिए नहीं, या तो रोटी बना के इसमें घी वगैरह लगा के नमक डाल के ऐसा इनका नाश्ता है। परांठे बना दो तो परांठे में फिर ये नहीं कि चटनी दे दो, सॉस दे दो, कुछ नहीं, बस चाय और परांठा ही खा के वो जाते हैं, और फिर आएंगे 2:30 बजे, तो 2:30 बजे तक 2 परांठे चलते रहेंगे इनके। तो ये चले गए हैं स्कूल, और अब मैं ले आई हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने बताया था आपको मैंने चाय नहीं पी। तो एक बार जब स्कूल वाले चले जाते हैं तो उसके बाद होती है एक सुकून की चाय। तो पहले चाय, ये बाहर से धूप पड़ रही है मेरे मुंह पे, देख रहे हो आप, खिड़की से आ रही है, कहीं पे धूप कहीं पे छाया।
और यहाँ पे दे दिया मैंने रिशिता को कॉलेज के लिए नाश्ता, और बहुत मना कर रही थी कि मुझे नहीं खाना, देखिए तो ज़बरदस्ती एक परांठा खिला रही हूँ मैं, क्योंकि भूखी जाती है, बहुत बार चली जाती है भूखी। और देखिए चाय दे रखी है, तो चाय भी नहीं पीनी है, बस एक परांठा खाना है, वो भी जल्दबाजी में, क्योंकि सुबह तो उठना नहीं है, जब उठना है तो उसके बाद होता है देर हो गई। तो उसको एक परांठा दे दिया है, और साफ़ सफाई मेरी पूरी हो चुकी है। ठीक है, बाय चल। तो फ्रेंड्स अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और खाना भी बन गया है मेरा। तो अभी ये भी आ गए हैं बाहर स्कूल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2:30 बजे छुट्टी होती है, और वो आ चुके हैं बाहर। तो ये हमारा दरवाज़ा है, और यहीं से एंट्री करेंगे जी। क्या बना खाने में, क्या है आज? आज सब चीज तुम्हारी पसंद का बना रखा है। अरे वाह, आज मैं बन रखी ओके हरी सब्जी बन रखी, गुड, और चावल बन रखे। चावल तो बनेंगे ना, खाली सब्जी और तो राजमा खा लो तुम। इनको हरी सब्जी इतनी पसंद है ना, आप लगा लीजिए कितने महीने हो गए, कब से आ जाती है सब्जी, मतलब हरी सब्जी, अक्टूबर मतलब कब से आ गया था यार, राई पालक कब से आ गया था, अक्टूबर से तो आ ही जाती है, तब से ये हर रोज़ दिन में इनका ये है कि इनको दाल चावल और उसके साथ हरी सब्जी चाहिए। तो हरी सब्जी खा के इनके पेट में पेड़ उग चुके हैं। हाँ जी बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। मैं बता रही हूँ, मैंने कहा आपको हरी सब्जी कितनी पसंद, बहुत पसंद है। तभी तो कह रही हूँ, मैंने कहा तुम्हारे पेट में, मैंने कहा पेड़ जम गए हरी सब्जी, खेत पूरा खेत जमा हुआ है भाई। अब पूरा खेत वहीं से निकाल के खाते रहे, मुझे मत कहना सब्जी बनाने के लिए। हम पहाड़ी है भाई, हम बिना सब्जी के नहीं रह पाते हैं, है ना, दाल भात और सब्जी, हम पहाड़ियों का सबसे बेहतरीन जिसको कहते हैं च्वाइस, हमारी दाल भात और सब्जी, बिना सब्जी के खाई नहीं जाते। सही, ये भी आ गए हैं बाहर, दिन में भी आप लोगों को दिखाया था, अभी बाहर आ गए, क्योंकि स्कूटी यहीं पर रुकती है ना, तो एकदम से पता चल जाता है, आवाज़ आ जाती है कि आ गए हैं। तो मुझे आज अपनी एक बहुत पुरानी चीज़ मिली है, और वो है मेरी, देखिए आप, जिसको सिर्फ मैंने एक या दो बार पहन रखा होगा, ये देखिए ये वाली, ये ऐसी है और काफ़ी पहले की है ये, तो मुझे आज बेड में रख रही थी ना, उधर सर्दियाँ जा चुकी है जैसे, तो गर्म कपड़े अलग खोलो, सर्दियों के कपड़े अलग, अच्छा बंद हो रखा है। तो आज मुझे ये मिली, ये भी आ गई, आज दिन में भी आपसे मुलाकात हुई, अभी भी मुलाकात हो गई है ना, तो ये मैंने आज देखी, मैंने कहा ये अभी मैंने पहनी तो कभी, मतलब एक दो बार ही है देखो इसे, तो जब मैंने इसको ट्राई करके देखा ना, तो ये यहाँ से मतलब इतनी मोटी हो गई ना, कि यहाँ से भी ऊपर नहीं गई, बाजू तो किसकी ऊपर नहीं गई, और यहाँ से तो उतर ही नहीं रही वो, मतलब अब ऐसी कुर्ती पहनना थोड़ा अजीब सा लग रहा, ओल्ड फैशन सा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ना, इसका ये वाला हिस्सा है ना जो ये बाहर का, ये निकाल दूँ, तो और इसको निकालने के बाद सिर्फ यही वाली जो अंदर की ये है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ये पैटर्न, ये अच्छा लगता है मुझे, तो मैं सोच रही इसको बाहर का तब मुझे दे देना, फट के आएगा वो बाहर, ऐसे थोड़ी ना आएगा, निकाल सिलाई उधारनी पड़ेगी ना इसकी। अच्छा, और इसको निकाल के फिर मैं देखती हूँ, अगर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, अगर अच्छा लगेगा ना ये, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कैसी ये बन के तैयार हो गई है। टाइट आ रही मुझे, लेकिन थोड़ा इसमें कपड़ा है इसके अंदर, तो देखते हैं कितना कैसी बनती है। तो पहले मैं इनको चाय पिलाती हूँ, ठीक है। पता क्या बात हो रही है, मेरा फोन, मैंने बताया ना आप लोगों को मेरा फोन खराब हो रहा है,
इस वजह से ये यही बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा फोन मतलब बिल्कुल किसी काम का नहीं रह गया है। मेरा फोन काम तो कर रहा है लेकिन वैसा नहीं है ना, वीडियो वगैरह के लिए पुराना हो गया, उसमें वो बात नहीं रही, तो यही बात कह रहे हैं। मैंने कब दिलाओगे मुझे तुम फोन, कब? बहुत जल्द मेहरबानी कर लो प्रभु, प्रभु मेहरबानी कर लो मेरे ऊपर। देखो मैं देखो पैरों में बैठ रखी फोन के लिए, देखो आप इसलिए नीचे बैठ कर दिया मैंने पूरा अलग। जब मैंने ये लिखी ना इतना शौक से लिखी ना मैंने ये, तब ऐसी कुर्ती चढ़ रही थी, देखिए ये निकाल के कैसे लग रहा अलग। अच्छा ये तो गला है, ये गले का साइड था, ये देखिए ऐसी हो गई है। अब इसमें सिलाई करना बाकी है, गले से लेकर बाजू से लेकर सब जगहों से निकाली है ना सिलाई उधाड़ के, कहीं से काट के कहीं से सिलाई उधाड़ के निकाली है। थोड़ा इसको ढीला करूँगी तब देखूँगी पहन के कैसी लगती है। अब तो आ ही जाएगी मेरे को लग रहा, मुझे बाजू तो टाइट होंगे लेकिन कमर आ जाएगी है। कल दिखाती हूँ मैं आपको ये पहन के बना के रेडी तैयार करके कि कैसी लग रही है मेरे ऊपर। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।